जीव की अजन्मा होने पर भी यदि तुम जन्म स्वीकार करते हो तो ईश्वर को अजन्मा होने पर भी उसका जन्म स्वीकार करना चाहिए, यही न्याय प्राप्त है। कि जीव के जन्म को जन्म कहते हैं और ईश्वर के जन्म को अवतार कहते हैं, है ना। वो उसकी अचिंत शक्ति है, उसकी लीला शक्ति है। जीव का जन्म होता है दिवस होकर के, कर्म वासना से दिवस होकर के जीव का जन्म होता है, और ईश्वर का जन्म होता है लीला से, अनुग्रह करके जीवों को उठाने के लिए, उतार करने के लिए। अब आप लोगों के बीच में अवतार की कथा कहने का तो कभी प्रसंग नहीं पड़ता है ना, इसलिए जो उसकी जो सूक्ति है, उसकी जो रिक्ति है ना, उसकी जो प्रवृत्ति है वो तो बड़ी विलक्षण है। हम ये नहीं कहते कि कर्मार्थ से जीव अलग अलग हैं और कर्मार्थ में जीवों का जन्म मरण है, ये नहीं बोलते। परंतु जहां तक जीवों का जन्म मरण है और अंतकरण है और परिच्छिन्नता है, है, और अपने को सच मालूम पड़ती है कि हम ब्राह्मण हैं, हम सन्यासी हैं, हम हिंदू हैं, हम मनुष्य हैं, हम जीव हैं, ये बात मैं के बारे में जहाँ तक मालूम पड़ती है वहाँ तक ईश्वर के बारे में इनकार करने का किसी का सामर्थ्य नहीं है। वो भी तर्क सिद्ध है, युक्ति सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है। तो ये बात हुई अवतार की। अवतार होते हैं एक तो स्वयं अवतारी का ही अवतार होता है, तो पूर्ण अवतार, परिपूर्ण अवतार, परिपूर्णतम अवतार। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने वैभव अवतार और प्राभव अवतार, स्वामी जी ने अंशावतार, कलावतार, आदेशावतार और स्फूर्ति अवतार, चार प्रकार के अवतार माने। ये सब जब पहले बचपन में आर्य समाजियों से भिड़ंत होती थी ना, अवतार का खंडन करने वालों से भिड़ंत होती थी, ये सब उस समय की सदी है ना, अब की नहीं है। ये तो सभी की बात है। तो भगवान के भी मर्यादा अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं। देखो उद्भिद जो होते हैं ना, ये वृक्ष आदि, इनमें भगवान का एक अंश से अवतार होता है, पीपल में, वट में। और जो स्वेदज होते हैं, भीष्मज होते हैं, दो कला से जीवा अवतार होता है। जो अंडज होते हैं उनमें तीन कला से अवतार होता है। जरायुग में दो तरह से होते हैं, एक चतुष्पाद और एक द्विपाद। चतुष्पाद में चार कला से और द्विपाद में पांच कला से, ये मनुष्य है, द्विपाद मनुष्य है। अब इसमें छह कला हो गए, सात कला हो गए, तो ये महापुरुष, तारक पुरुष, शुद्ध पुरुष हो जाता है। और आठ कला होने पर मत्स्यावतार की समानता हो जाती है, उज्ञान दान का सामर्थ्य हो जाता है। फिर मत्स्य, कच्छप, वराह, मृत्युंजय, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, ये सब भगवान के अवतार होते हैं। लेकिन जीव का जन्म होता है ये मानना, और ईश्वर अवतार नहीं लेता ऐसा मानना, ये गलत है। अगर जन्म नहीं होता तो न जीव का होता न ईश्वर का होता, और होता है तो दोनों का होता है। ब्रह्म का न अवतार है न जन्म है, और ईश्वर का अवतार है, जीव का जन्म है। इसलिए व्यावहारिक सत्ता में ये दोनों होते हैं। वो तो आजकल जब विचार करते हैं ना तो खंड मंद करते, किसी प्रक्रिया से विचार नहीं करते हैं। तो जब अवतार होता है तब जीव में जो कुछ होता है
भगवान में भी होता है। जितने दोष गुण जीव जीव में होते हैं दोष गुण, उतने दोष गुण भगवान में भी होते हैं। आप बिल्कुल इसमें डरना मत। क्यों नहीं डरना? तो जीव में होते हैं अविद्या से और भगवान में होते हैं लीला से। इसलिए जीव के लिए बंधन के हेतु हैं और भगवान के लिए बंधन के हेतु नहीं है, मोचन के हेतु हैं। मोचन के हेतु है माने उन लीलाओं का चिंतन करके दूसरे लोग मुक्त हो जाते हैं, ये उसकी लीला है। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आप जो कहो तो हम बता दें। जो कुछ किसी भी जीव के जीवन में हो सकता है वो सब कुछ श्री कृष्ण के जीवन में है, क्योंकि एक ही तत्व की दो अभिव्यक्ति है, एक लीला से और एक कर्म से। अरे जीव तो बड़ा भयभीत है, तो कृष्ण भगोड़े हैं कि नहीं? रणछोड़ गाय काय को बने, भय नहीं होता तो रणछोड़ गाय कौन बनते? तो बोले वो तो लीला का भय है, कहाँ लीला का भय। तो जीव में काम होता है, तो इतने बच्चे कच्चे बिना काम ही चाहिए? तो वो लीला है, जीव का बंधन है। क्रोध आता है कि नहीं आता है? और बिना क्रोध ही आए रुकने को काम देते हैं, अरे वो लीला ऐसे होता है। अब मोह होता है कि नहीं होता है? बोले अनिरुद्ध जब खो गए तो चढ़ाई क्यों की? प्रद्युम्न को उठा के संबरापुर ले गया तो चढ़ाई क्यों की? अपने बालक से संबंध था कि नहीं था? ये वैसे तो एक नहीं, सब बात आपको हम श्री कृष्ण को रोते दिखा सकते हैं, श्री कृष्ण को हंसते दिखा सकते हैं, श्री कृष्ण को ब्याह करते बता सकते हैं, श्री कृष्ण को जुआ खेलते बता सकते हैं, बोला श्री कृष्ण को यज्ञ करते बता सकते हैं। श्रीमद् भागवत में हो नारद जी गए हैं और द्वारका के सब स्त्रियों के भवन में अलग अलग देता है, कहीं तलवार चला रहे हैं, कहीं घोड़ा फेर रहे हैं, कहीं दान कर रहे हैं, कहीं युद्ध कर रहे हैं, कहीं नाच रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, कहीं सिखा रहे हैं, नाचना सिखा रहे हैं, गाना सिखा रहे हैं, नाच नाच के नाचना सिखा रहे हैं बुढ़ापे में। बोला जैसे बोले बुढ़ापा भी आता है भगवान को, अरे बचपन आया तो बुढ़ापा क्यों नहीं आएगा? बोले वो लीला है। बोला बचपन की लीला है, बुढ़ापे की लीला है। तो इस बात को संसारी लोग जो है वो जो कायदे से विचार नहीं करते हैं उनकी समझ में ये सब बात नहीं आती है। तो प्रसंग तो है परशुराम जी का, परशुराम भगवान के अवतार है। ये सहस्रार्जुन जो है ना चंद्रवंश, चंद्रवंश में है अर्जुन है, तो उसको परशुराम जी ने मारा। वो ऐसा था कि ये नहीं देखता था कि हमारा बाण कहाँ गिरेंगे। आदमी दो हाथ से धनुष बाण ले करके बाण का अभ्यास करे तो उपद्रव करे, और उसके हजार हाथ से 500 धनुष लेता और 500 बाण छोड़ता, तो उस समय दो शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जंगल जंगल बहुत ज्यादा हो गया और एक जो है ये क्षत्रिय शक्ति जो है वो बहुत शास्त्र शक्ति बहुत बढ़ गई। इस शास्त्र में ये लिखा है कि जड़ता की शक्ति बढ़े और चेतन की शक्ति कम हो, तो ये राष्ट्र के लिए विश्व के लिए घातक है। माने तुम लाठी वाले की पूजा करते हो, विद्वान की विद्वान की पूजा करते हो, एक प्रश्न है ना तुम्हारे राष्ट्र में सबसे अधिक आदर किसका है? इसके लिए शास्त्र में निर्णय किया हुआ है, ना ब्रह्म क्षत्र मृद्धि ना क्षत्र ब्रह्म धर्म दे, बिना ब्राह्मण के क्षत्रिय की वृद्धि नहीं होती और बिना क्षत्रिय के ब्राह्मण की वृद्धि नहीं होती। इसलिए ब्रह्म शक्ति प्रज्ञा
शास्त्र शक्ति जल, प्रज्ञा और जल दोनों के समन्वय से जब कोई राष्ट्र चलता है तब उसकी उन्नति होती है। और जो कहेगा कि ब्राह्मण हमसे न्यारा है वो विद्या बुद्धि से वंचित हो जाएगा। हमारा ब्राह्मण से मतलब विद्या बुद्धि से युक्त होते हैं। और जो कहेगा कि हमको जल की जरूरत नहीं है, जल का अपवाद कर देगा, पराधीन हो जाएगा। तो बुद्धि और जल दोनों के सम्मिश्रण से ना सत्रम ब्रह्म वर्धते, क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण की वृद्धि, जल के बिना बुद्धि की बुद्धि कार्यान्वित नहीं होती, और बुद्धि के बिना बल विभ्रम में पड़ जाता है। बुद्धि के बिना बल विभ्रम में, और बल के बुद्धि बिना बुद्धि अचिंतित करी कुछ कार्य नहीं करती है, दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए। तो ये है अर्जुन जो था वो चंद्रवंशी हुआ, तो मन की प्रधानता हुई ना, मन की प्रधानता हो गई हो तो क्या किया हो बाण चला रहे। तो जड़ता का तो उसने निर्मूल कर दिया, लेकिन एक दिन बिना विचार के बाण चला रहा था कि जाकर के वशिष्ठ के आश्रम में गिरे। वशिष्ठ का जो निबंध था, जिस वन में वशिष्ठ रहते थे उसमें जाकर मान देना लगे। वशिष्ठ ने कहा कि अरे भाई ये आश्रम है, यहाँ गऊएं रहती हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, यहाँ तो अपने बाण मत डाल। वो पता कहता तो हम ये सब नहीं जानते, हमारे तो हाथ खुजला रहे हैं बाण छोड़ने के लिए। वशिष्ठ ने कहा अच्छा तुम्हारे ये ब्रह्म शक्ति है ना, वशिष्ठ में वशिष्ठ में ब्रह्मदंड है, ब्रह्मदंड राष्ट्र तुम्हारा ये जो दर्प है वो तीर हो जाएगा। तो परशुराम जी महाराज ने उनका दर्प तीर किया, दर्प तीर किया तो उन्होंने देखो ब्राह्मण के जमदग के आश्रम में एक गाय थी वो भी नहीं रहने देना चाहता था, जो चुरा के ले गया तो भविष्य है उस देवताओं की आराधना उसने होती है, परशुराम ने हम लोगों को मारा। फिर जमदग्नि जी ने कहा क्षमा करो ब्राह्मण की शक्ति, क्षमा क्षमा कर दिया, प्रायश्चित कर दिया, क्षमा ने प्रायश्चित कर दिया। तो उन्होंने आके उन्हीं को जिनमें मंत्र था ना जमदग्नि को ही मार दिया। जमदग्नि सायंकाल समाधि में बैठे थे, ये नहीं सोचना कि शांत पुरुष को कोई नहीं मारता है, बोलो ऐसे महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटना घटित होती है। सायंकाल था, अग्निहोत्र के अंदर समाधि लगा करके जमदग्नि ऋषि बैठे हुए थे, मार दिया। तब परशुराम ने कहा देखा भाई आपने छुटे हो जो ईश्वर के हैं, ये संसार की निवृत्ति सामान्य रूप से नहीं होती है। तो ऐश्वर्य धर्म यश स्त्री ज्ञान और वैराग्य ये क्षेत्र है ईश्वर की शक्ति, और सातवां ईश्वर। तो तमः प्रधान रजः प्रधान और सत्व प्रधान तीनों प्रकार के क्षत्रियों का, तीनों प्रकार के बलवानों का वध करने के लिए, वध करने के लिए उन्होंने 21 बार शास्त्र शक्ति का सम्मान किया। तो कोई कहे ये जो सहस्त्रार्जुन था उसको मारना कोई बड़ा कार्य नहीं था, आप ये नहीं समझना हो, ये मन की वृत्तियां जो है वो देखने में तो सीधी साबी लगती है, देखने में तो अर्जुन होती है, लेकिन होती है सहस्त्र, मन की जो वृत्तियां हैं ऋजु माने सीधी साबी, देखने में तो मन में कोई बात आ गई तो क्या हुआ, आ गई तो आ जाने दो, उनको कोई डर नहीं लगता है, लेकिन वो होती है हजार, और वो इतनी बली होती हैं, इतनी बली होती हैं, इतनी एक तो हजार की 10,000 तो शाखाएं हो जाती हैं,
और रावण को भी वे पकड़ने में सामर्थ्य उनका सहस्रार्जुन ने क्या किया। तो एक बार सहस्रार्जुन नर्मदा के किनारे पूजा कर रहे थे और रावण ने आके नर्मदा जी का जल ही रोक दिया, बह गई तो पूजा की सामग्री। अब आके सहस्रार्जुन ने रावण को पकड़ा और ले गया घर में और कहा कि दीवत की तरफ बैठ, दीवत जैसे होता है इसलिए, और रावण के दसों सिर पर दस दिए जला दिए और बोले बैठ तुम्हारे भगवान की पूजा में कर मदद। फिर उनको वो जो बात थी ना रावण की बात कौन दीजिए फिर आपके और विक्रवा के बाद पुलस्ती पुलस्ती ऋषि ने आके कहा कि बाबा हमारा ये बेटा है किसको मत बनाओ छोड़ दो। तो इतना मन रावण के साक्षात अहंकार है ना, अहंकार है ये मनोवृत्तियों में इतना सामर्थ्य है कि अहंकार को भी नीचा दिखा करके भी अपनी साधना पूरी करते हैं। ये बात आप देखो जहाँ जहाँ छोटा बन जाने से हमारी साधना पूरी होती है, अपने मन की साधना पूरी होती है, वहाँ छोटा बन के भी साधना पूर्ण करने की चाल चलते हैं। उस सहस्रार्जुन इतना सामर्थ्य राम का जिसको उसके परशुराम जी ने, परशुराम जी बिना परसा लिए इनके लिए प्राण शक्ति की अपेक्षा होती है परशुराम में, परशुराम में भी क्षत्रिय शक्ति है आने की जमदग् ने, लेकिन पिता के सामर्थ्य से तपस के शक्ति से वो छात्र शक्ति जो है जमदग्नि में रही। इसीलिए जब दबी थी तब तो वो क्षमा का उपदेश करते थे, क्षमा करो समाधि में बैठते थे, और जब वो उदय हो जाती थी क्षत्रिय शक्ति तो उन्होंने मारने का उपदेश कर दिया। परशुराम जी में वो शक्ति थी कि मन रूप सहस्रार्जुन और उसकी 10,000 शाखाएं, उसकी 1,000 भुजाएं सब उन्होंने अपने प्रतिबंध से खींच कर दिया। तो ये केवल 5 बच रहे, ये सहस्रार्जुन की नहीं थी, केवल 5 बच रहे, कभी कभी और बनता। 5 क्यों बच रहे कि बोले 5 प्रकार की जो भक्ति है वो बल से नहीं होती है। ये भक्ति के 5 प्रकार हैं, निर्गुणा भक्ति रूपा लोके छात्र गणित्य की, इनमें कौन हुए सबसे आदि जो यदुवंश का प्रवर्तक है ना, ये सूर सेन आदि जो 5 हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, उनके मूल पुरुष हरिहर के वंश में रह गए। बोले ये क्या हुआ, देखो भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अवतार तो चंद्र वंश में ही चंद्र वंश में होने का है। इसमें कारण ये है कि जब तक मन में भगवान नहीं आए तब तक जीवन बनता नहीं है। ये क्या बात है, सत्वरूप से भगवान होने अनादिकाल से अनंत काल तक सत्वरूप से ही तो भगवान रहते हैं। जब प्रत्यारूढ़ होते हैं, विद्यारूढ़ होते हैं तब तो अविद्या को नष्ट करते हैं, और जब मनोवृत्त्यारूढ़ होते हैं तब वासना को नष्ट करते हैं आप ये देख लो, और जब कर्मारूढ़ होते हैं तब दुष्चरित्र को नष्ट करते हैं। ये भी भगवान का अवतार है, भगवान का धर्मावतार और भगवान का प्रेमावतार और भगवान का ज्ञानावतार। भगवान का ज्ञान अवतार हमारे हृदय में होता है वो अविद्या को नष्ट करता है, और भगवान का प्रेम अवतार हमारे हृदय में होता है वो वासना को नष्ट करता है, और भगवान का धर्म अवतार कर्म में क्रिया में होता है वो दुष्चरित्र को नष्ट करता है। ऐसा कोई कहे कि ऐसा है कि नहीं है, हम कहते हैं हमारे प्राचीन शास्त्रों का जो अभिप्राय है इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं,
ये भी तो एक सांस्कृतिक वस्तु है कि नहीं। प्राचीन ग्रंथों में जिस अभिप्राय को लेकर के जो बात कही हुई है उसकी व्याख्या आप तो कर रहे हैं और आप तो देखो कि आपके जीवन में ये बात फिट बैठती है कि नहीं। तो आप जानते हैं ये सब होता है वो हृदयाय नमः सुरते स्वाहा सिपाही वसत दैसत रौसत सब होता है। आओ आपको देख रहे हैं लीला में। तो अब यहाँ भक्त होने में जो शोक था अभिमान मूलक और वासना मूलक उसको परशुराम ने उत्पन्न कर दिया। तो अब सच्ची भक्ति का पंथ आगे चलेगा और उसमें भगवान का चंद्रावतार होगा। बुद्धि में जो होता है वो सौरावतार होता है। एक और है उस बात को सुना देंगे। भगवान का एक सौरावतार होता है और एक आग्नेय अवतार होता है और एक चंद्रावतार होता है। ये तीन प्रकार का अवतार होता है। तो जो आग्नेय अवतार होता है वो अविद्या भर्जक होता है, वो नित्य है, किसी भी समय में हो सकता है, किसी भी काल में हो सकता है, किसी भी जाति में हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है, किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। इसको आग्नेय अवतार बनता है। आग्नेय अवतार क्या है? वाग ज्योति है, मान ऐसे शब्द का उच्चारण, ऐसे शब्द के रूप में ईश्वर का प्रकट होना जो ईश्वर संबंधी अज्ञान को जला दे। तो वाग का अधिष्ठात्री देवता अग्नि है और वाग के द्वारा शब्द का उच्चारण होता है, इसलिए भगवान का आग्नेय अवतार जो है वो वाग में होता है, वो अज्ञान को ध्वंस कर देता है। और भगवान का जो चंद्रावतार है वो मन में होता है और इतना प्यारा इतना आह्लादकारी होता है कि भीतर ही भीतर इतना मजा आने लगता है कि दुनिया का जो मजा है ना वो पीछा पड़ जाता है। ये कृष्ण अवतार है और भगवान का एक सौरावतार है। सूर्य जो है ना वो उदय हुआ अब भी उदय अभी ये कर्म करो, हाथ जोड़ करके अर्घ दो, संध्या वंदन करो। तो ये धर्मावतार हो गया, सूर्य उदय हुआ और सुशिक्षि छोड़ करके धर्मानुष्ठान करो। तो सूर्य वंश में रामचंद्र होते हैं धर्मानुष्ठान के लिए। और कल आपको ये भी सुनाया था कि पौराणिक रीति से सूर्य के ऊपर चंद्रमा होता है, जैसे आंख से सूक्ष्म मन होता है, जैसे नेत्र से सूक्ष्म मन होता है, वैसे सूर्य से सूक्ष्म साप से सूक्ष्म आह्लाद होता है। जैसे किसी में साप नहीं होता आह्लाद होता है। किसी नाम से आश्रम न दिंगिर देवी का सूक्ष्म होता है। दुख केवल जागृत स्वप्न दो ही अवस्था में हो सकता है, सुचुक्ति में नहीं हो सकता, लेकिन सुख सुचुक्ति में होता है क्योंकि उसका स्मरण होता है, आत्मा सुखद स्वरूप है। तो ये श्री कृष्ण चंद्र जो है ये सुखद स्वरूप है। अच्छा भक्ति मार्ग में अपना सुख नहीं देता, सब भगवान का होता है। ये बात तो आपको मालूम है ना, पति पत्नी में तो ऐसा होता है ना। तो आजकल तो सरकार ने भी ऐसा करने के लिए बात दे ही कर दिया, ये स्त्री संपत्ति है और ये पुरुष संपत्ति है, तो स्त्री का बचत अलग पुरुष का बचत अलग, उसका लाकर अलग उसका लाकर अलग होता है। परंतु भक्ति मार्ग में सब भगवान का ही होता है। केवल ये भी बोलता है ये हमारा है, ऐसे भी बोलता है।
हम कितने मिलीमीटर स्वीकार हैं। मालिक की संपत्ति के लिए जहाँ लड़ाई करना पड़ता है वो हमारी चीज है, हम उसके मालिक हैं। मालिक की ओर से उसको हमारी करते हैं। परशुराम ने यज्ञ किया और सारी पृथ्वी का दान कर दिया है। सर्वदानं भक्ति मार्गे बोधयन् पृथ्वीं ददौ। कुरुक्षेत्र में अनंत क्षेत्र में राम ने संपूर्ण पृथ्वी का दान किया, माने पूर्ण पृथ्वी में हमारा कुछ नहीं है। इसके बाद फिर से विश्वामित्र की कथा आई है। इसका बड़ा भारी इतिहास है। विश्वामित्र और वशिष्ठ का झगड़ा, परशुराम और सहस्रार्जुन का झगड़ा, राम और रावण का झगड़ा, आप देखना तो वशिष्ठ और विश्वामित्र का झगड़ा जो है वो भी ब्राह्मण और बल और बुद्धि, बल और बुद्धि का ही झगड़ा है। ये कभी कभी सेना तंत्र सैन्य तंत्र हो गए। आजकल लोगों की वृत्ति जो है वो सैन्य तंत्र का बहुत आदर करने लगे। लोगों का मन बिगड़ रहा है, तो हम सेना बनाएंगे, लचित सेना, सचित सेना, बचल सेना, फलानी सेना, सब दो सेना। जो अहिंसक है वो भी अपनी शांति सेना, अहिंसा सेना है ना, अहिंसा सेना बना रहे हैं। इसका मन सेना नाम रखने का क्या अभिप्राय है? सैन्य शक्ति के प्रति जो झुकाव है कि हम बलात् अपने मन का काम करवा लेंगे, इसी से तो सेना नाम रखने की रुचि होती है। नहीं तो सेना नाम क्या रखे? सेना में बलपूर्वक काम कराने की जो वासना है वो सेना में बनी रहती है। इसीलिए बड़ी बड़ी सेना बहुत बनाते हैं। और तो वशिष्ठ और विश्वामित्र में और परशुराम, अब देखो यहाँ परशुराम और सहस्रार्जुन में और इधर राम और रावण में, ये देखो आप ब्राह्मण शक्ति जब विकृत हो जाती है तो भगवान क्षत्रिय में अवतार ग्रहण करते हैं, जब क्षत्रिय शक्ति विकृत हो जाती है तब ब्राह्मण में अवतार ग्रहण करते हैं। ये संतुलन जो है वो स्थापित करते रहते हैं। उसके बाद विश्वामित्र की कथा है। विश्वामित्र के कथा की कथा में बड़ी विलक्षण बात बताई गई है। केवल संतान होने से ही कोई वंश की वृद्धि या वंश की प्रवृत्ति नहीं होती है। अपने पिता पितामह की जो संस्कृति है उसकी रक्षा में रुचि होनी चाहिए। अब तो ये हो गया ना कि पत्नी में हिंदू तो जात है ईसाई, पत्नी है ईसाई तो जात है हिंदू, तो हमारी संस्कृति आगे चले इसमें हमारी संस्कृति हमारा धर्म हमारे पिता पितामह के परंपरा से आगे धर्म आगे चले इसमें किंचित भी रुचि है क्या? दो धर्मों के मेल से या दो संप्रदायों के मेल से या दो जातियों के मेल से जो संतान पैदा होगी वो किसी परंपरा की रक्षा करेगी क्या? वो ईसाई परंपरा की रक्षा करेगी कि हिंदू परंपरा की रक्षा करेगी? माने प्राचीन धर्म का संस्कृति का जो प्रवाह है वो अक्षुण कैसे रहेगा? तो हम संतान उसको मानते हैं जो अपनी परंपरा की श्रेष्ठ मर्यादा का प्रवाह जारी रखे, वो संतान है। तो ये बेटे से भी चलती है, चेले से भी चलती है। यदि केले का मन दूसरा हो और गुरु का मन दूसरा हो, गुरु तो ब्रह्म ज्ञान की परंपरा चलाता है और शिष्य जो है वो भोग की परंपरा चलावे, तो उसमें शिष्यत्व नहीं रहता। किसी प्रकार
अनुसार पुत्रत्व भी नहीं होता। तो विश्वामित्र जी महाराज ने बड़ा फिर आग्रह था विश्वामित्र के चित्त में कि हम ब्राह्मणत्व का ब्राह्मणत्व के मूल स्रोत बने। तपस्या के बल से विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए, परंतु उनके जो पुत्र थे वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त 50 पुत्र उनके है ना ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं हो सके, उनके पीछे नहीं चले। विश्वामित्र ने कहा कि तुम पुत्र नहीं हो, मित्र हो, जाओ भ्रष्ट हो जाओ, शानदार हो जाओ। फिर उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र को यज्ञ में बचा करके और उनको अपना बेटा बनाया, और उन्होंने कहा कि तुम अब हमारे गोत्र का प्रवर्तन तुम करना। असल में उनका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणत्व की रक्षा ब्राह्मणत्व से ही होती है, ब्राह्मणत्व से ही होती है। एक व्यक्ति तपस्या के द्वारा शुद्ध होकर के ब्राह्मण हो सकता है, परंतु उसके बाद वाले पूर्वी अपनी गोत्र जो है वो अनेक प्रकार के चलते हैं, और उनमें गोद से भी गोद लेने से भी चलता है, औरत भी चलता है और शिष्य से चलता है। आगे चल करके इस चंद्रवंश में बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं, पुरूरवा अलर्कस्य रजस्य पुरूरवा वंश प्रवर्तन के उसमें भगवान का आविर्भाव हुआ पूर्वती दृष्टि के साथ, और जो पुत्र उस ज्योतिष से ज्ञान वैराग्य आदि से ही इस प्रकार के अलर्थ और अलर्थ कहते हैं कि अपने जीवन काल में 60,000 व्यक्तियों को ब्रह्म ज्ञान अलर्थ 60,000 व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान का आकार दिखा, एक ब्रह्म ज्ञान का हुआ, एक भक्ति का हुआ और तीसरा था रजी, वो धर्म का हुआ। उसके बिना स्वर्ग का राज्य ही नहीं चल सकता था। इंद्र ले गए उसको अपनी सहायता के लिए, रोज रोज दैत्य आक्रमण करें और रजी जो है उनकी रक्षा करें। अंत में जब दैत्य मर गए तो इंद्र ने रजी का पांव पकड़ लिया और बोले कि अब तुम मर्त लोक में मत जाओ, ही स्वर्ग का राज्य करो। उसको इंद्र बना दिया और स्वयं मैंने धर्म के बल से इंद्र भी उसकी पूजा करते हैं। धर्म में इतना बल है, मैंने हाथ के देवता है इंद्र, तो वो कर्म प्रधान है, परंतु केवल कर्म से मनुष्य की रक्षा नहीं होती। जब कर्म धर्म प्रधान होता है तब इसकी रक्षा, ऐसा कर्म में और धर्म में क्या करते है? तो जो सूक्ष्म शरीर के निर्माण के लिए इससे हमारा अंतःकरण ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा, जो सूक्ष्म शरीर के श्रेष्ठ निर्माण का कला पूर्ण निर्माण के लिए जो क्रिया है, सूक्ष्म शरीर के श्रेष्ठ निर्माण के लिए जो शिल्प कला है उसका नाम धर्म है, और बाह्य भौतिक पदार्थों के लिए जो केवल क्रिया है जो शिल्प कला है, इससे लोहा शुद्ध होगा, इससे सोना शुद्ध होगा, इससे जमीन शुद्ध होगी, इसको कर्म बोलते हैं, श्रम बोलते हैं। और हमारा अंतःकरण, ये काम करने से हमारा अंतःकरण कैसा बनेगा ये विचार करके जो कर्म किया जाता है उसको धर्म बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर का निर्माता धर्म है, और स्थूल वस्तुओं और व्यक्तियों का निर्माता कर्म है। शिक्षा में भी जब केवल स्थूल वस्तु उद्देश्य होता है तब वो कर्म शिक्षा हो जाती है, और जब सूक्ष्म वस्तु का निर्माण जब लक्ष्य होता है तब उसका नाम धर्म शिक्षा हो जाता है। तो अब इसके बाद
किसी बंधु हाँ रजु का जो अभियत है वो रजु तो बैठ गए स्वर्ग में इंद्र उनकी सेवा करते। कर्म धर्मानुकूल हो गया, इसका अभिप्राय ये हुआ कि कर्म जो है वो धर्मानुकूल हो गया। अब ये हुआ कि रजु के बेटे, उन्होंने कहा हमारा बाप स्वर्ग की गद्दी पर बैठा था तो हम भी बैठेंगे। अब लड़ने लगे, लड़ने लगे तो बोले भौतिक स्वर्ग माने धर्म जब जीविका के लिए संचालन किया जाता हो ये बड़े बड़े मंदिर है ना, बड़े बड़े मंदिर हैं तो भले किसी ने पहले पहल बनवाया होगा तो अपने भाव से बनवाया होगा, लेकिन जब वो किसी वंश की जीविका के हेतु हो जाते हैं तब उनमें दूसरे चमत्कार जोड़ दिए जाते हैं। बोला दूसरे चमत्कार जो बिल्कुल है ही नहीं, ऐसे चमत्कार जोड़ दिए जाते हैं। तो हम लोग तो समझो चमत्कारों की नगरी में बसते हैं, हमारी साथी रोज चार जने बता दें कि आज शिव जी का दर्शन हुआ, हमारी ब्रजभूमि रोज दस जने निकलेंगे कि हमको आज सबसे मिला। तो ये ठीक है कि निष्प्रिय पुरुषों के द्वारा जब ऐसे चमत्कार बताए जाते हैं तब वो सत्य होते हैं, परंतु जब लौकिक उद्देश्य से बताए जाते हैं तब वो सत्य होते हैं, परंतु जब लौकिक उद्देश्य से बताए जाते हैं तब वो अंग हो जाते हैं, पूर्णता के अंग हो जाते हैं। तो धर्म भ्रष्ट होता है तब जब उसको लौकिक जीविका के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, और धर्म शुद्ध रहता है तब जब अंतकरण की शुद्धि के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए रजु के पुत्र जो है वो भ्रष्ट हो गए। अब इसके बाद वर्णन करते हैं कि नहुष जजाति और पुरुष, ये तीन जो हुए ये मध्यम हुए। नहुष जो था उनमें सबसे श्रेष्ठ था, ब्रह्म परिवर्त पुराण में नहुष की ऐसी जीवनी का वर्णन आया है, उपासना में अत्यंत महत्व वो भगवत भगवत भाव और भगवत तत्व ज्ञान छोड़ करके दूसरे में नहुष की रुचि नहीं होती। यहां तक कि इंद्र को ब्रह्म हत्या के कारण जब स्वर्ग से चुप होना पड़ा। इनका भी बड़ा भेद है बोला कि जो लोग इन कथाओं को जानते हैं उनको झट से समझ में आ जाए, और जो इन कथाओं को पहले जिन्होंने पुराण नहीं सुना है उनको तो पहले कहानी सुननी पड़ेगी फिर उसका रहस्य समझना पड़ेगा। देवता को मर्त्यलोक की दृष्टि से जैसा पाप पूर्ण होता है वैसा पाप पूर्ण नहीं लगता। ये क्या बात है? तो देखो विराट जो पुरुष है, विराट पुरुष के बाहू का नाम इंद्र है, और विराट पुरुष के मुख का नाम अग्नि है, ऐसे समझो उसके पाप का नाम पृथ्वी देवता है। तो पृथ्वी को पाप नहीं लगेगा, जो पाप रूपा पृथ्वी है उसको पाप नहीं लगेगा, और जो गाहरूप इंद्र है उसको भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो विराट पुरुष ही उसका संचालन करता है। तो विराट के अवयव रूप जो देवता होता है वो धर्माधर्म से मुक्त होता है, परंतु व्यक्ति रूप के में जो देवता होता है वो देवता यदि तत्वज्ञ है तो पाप पूर्ण से मुक्त है, और यदि तत्वज्ञ नहीं है तो वो भी पाप पूर्ण कर्म के नियम से आबद्ध होता है। तो इंद्र जो है कभी तत्वज्ञ होता है और कभी तत्वज्ञ नहीं होता है, तो जब तत्वज्ञ होता है तब तो उससे कर्म संबंध नहीं होता, और जब वो तत्वज्ञ नहीं होता है तब उससे कर्म संबंध होता है। विराट के अवयव के रूप में कर्म संबंध नहीं होता। आप देखो इंद्र जो है वो सिंहासन से करके चले और नहुष आकर से बैठा है। अब नहुष में स्वातंत्र का बीज
स्वातंत्र का बीज होने से वो आप बैठ गए सिंहासन पर, इंद्र लौट के आए तो नव सिंहासन ही नहीं चलिए, तो ये हुआ कि इनके प्रेषित कुछ किया जाए। उन्होंने क्या उनके मन में आया कि देखो ये जो इंद्र पत्नी शशि है इंद्राणी, ये पद की पत्नी है। उन्होंने कहा ये पद की पत्नी है, इंद्र व्यक्ति की पत्नी नहीं है। तो जब मैं पद की पत्नी होने का अर्थ क्या हुआ, क्या एक ऐसी राष्ट्र पत्नी हो कि जो जो पांच सात वर्ष के बाद राष्ट्रपति बदलता जाए उसकी पत्नी के रूप में रहे, है ना। तो ऐसे इंद्र पत्नी जो है ये पद की पत्नी है, खबर दे दी से हमसे मिलना पड़ेगा। अब उतारी दरी धर्मात्मा की अपने गुरु जी के पास गई, तो गुरु जी महाराज आप क्या करें। तो गुरु जी ने कहा कि ये यदि देखो, ये यदि भगवत दृष्टि से तत्व दृष्टि से कोई बात करता है, बात दूसरी थी, ये तो काम वासना के अधीन हो गया है। इंद्र पद की प्रतिष्ठा छोड़ करके काम वासना के अधीन हो गए, तो ये यदि सुनी लड़के तो इसको प्रदर्शित करना संभव नहीं है। यदि किन्हीं बुद्धिमानों का ही अपराध कर दे, जैसे चाणक्य का अपराध किया था ना, उसको गिराया था चाणक्य ने, उठा दिया था जड़ से नंद और नारा। तो यदि किसी बुद्धिमान का अपराध ब्राह्मण का अपराध करे तो ये मारा जा रहेगा। ये बृहस्पति ने सलाह दी, महु किस समय शक्ति संपन्न है, इसको एक बुद्धिमान गिरा सकता है। तो इंद्राणी ने कहा कि तुम क्या करें महाराज, ऐसा करो कि तुम कह दो कि हम मिलेंगे तुमको, लेकिन तुम ब्राह्मणों की जीविका पर, ब्राह्मण जिसको धो रहे हो उनके कंधों पर चढ़ गया। और मैं उसने ऐसा ही किया महाराज, ऐसा किया तो बोले कि हम मामूली जीविका बाहर कोई मामूली कौन बनाएंगे, हाँ अगर कृषि बुलाए गए तो फिर कृषि बुलाए गए, चलो हमको कमी ऐसा बाबा तुम इंद्र हो, चलो ये भी कर देते हैं, क्योंकि जो अहंकार निर्मित पुरुष है उनको कहीं भी ले जाके बैठा दो, उनको नीचे बैठे तो भी वैसे ही, ऊपर बैठे तो भी वैसे, उनके लिए चार चार अंगुल के आसन के लिए या एक एक अंगुल के आसन के लिए कोई नापना थोड़े पड़ता है। एक स्मरण आज जब मैं व्याकरण पढ़ता था अपने गुरु जी से, तो उस समय काशी में ब्राह्मण महासम्मेलन हुआ, उस संस्था का नाम ब्राह्मण महासम्मेलन था। पंचानन परकरत्न लक्ष्मण शास्त्री बड़े बड़े विद्वान उसमें सब सम्मिलित थे, तो हम भी अपने गुरु जी के साथ उसमें जाते थे। हम भी प्रतिनिधि उनको बना दिया गया था उसमें, पंडितों में भी जैसे प्रतिनिधि होते हैं ना, शास्त्रार्थ करने के लिए प्रतिनिधि। अच्छे छोटे हमारी उम्र उस समय 15-16 वर्ष से ज्यादा नहीं थी, गुरु जी के पास चले जाते। तो वहां क्या हो रहा था, ये आचार्य सब इकट्ठे हुए, शंकराचार्य रामानुजा था प्रतिभावी भयंकर भी गए थे बोला, हाँ वल्लभाचार्य निंबार्काचार्य भद्राचार्य उड़ुपी से आए थे, बड़ा सब आचार्यों का सम्मेलन हुआ था। सब आचार्य, तो ये हुआ कि आचार्यों ने इनकार कर दिया कि हम किसी के बाएं नहीं बैठेंगे, हमारा आसन दाहिने रहेगा। अब दाहिने सब दाहिने कैसे बैठाए जाए, तो गोल गोल बनाया गया हो कि सब सबके दाहिने सब सबके बाएं। फिर ये हुआ कि किसी का आसन ऊंचा नहीं रहेगा, तो फीता लेके इससे नाप आ जाता। मेरी अक्कल में उस समय ये बात आई, नमो नमः आचार्य पादेश, पादों को नमस्कार करते हैं, इन लोगों से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। जो लोग एक एक इंच ऊंचा नीचा नाप के बैठते हैं और दाएं बाएं सोच के बैठते हैं, ये अपने अभिमान की पूजा करेंगे। उस समय 15 बरस का बच्चा था, भूल भी हो सकती है उस समय की, वो है ना, जहाँ व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करने में लग गए वहां धर्म की रक्षा क्या करेंगे। तो फिर वर्ण आश्रम स्वराज्य संघ बना, और तो उसमें मैं गया ही नहीं, बिल्कुल सम्मिलित हुई।
नारायण ने तो लक्ष्मण शास्त्री जी थे, ये राजेश्वर शास्त्री जी उस समय जवान थे और भूत चमक रहे थे महाराज। मैंने कहा तो ये बात है, अब वो ब्राह्मण महाराज पालकी दो है और ऊपर इंद्र बैठा हो, तो ब्राह्मणों को तो उनको नीचे ऊंचे करते थे, सब परमात्मा का स्वरूप है, जहाँ बैठा दे वहीं बैठ जा, जैसे रखो वैसे ही रखा है। अब वो बैठ के बोलो सर्पो 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 सर्पो, आगे बढ़ो जल्दी करो, इंद्राणी के पास जाने की जल्दी। हाँ, तो ऋषि ने कहा कि तू सर्प सर्प बोलता है, क्या सर्प होगा, उसी समय अजगर होते और देखने लगे धरती पर। तो ये बहुत अधिक नियंत्रित होगा, दोष आया, भगवान ने कृपा करके उनकी रक्षा की। इसके बाद जो जाति का प्रसंग है, मैं तो बोल दिया, नौ बच्चन थोड़ा सा और है जो आपको कल सुना देंगे।